नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उज्जैन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड का आज परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिए हैं। बेस्ट पांच के आधार पर दिए गए अंकों की अगर बात करें तो आज 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम आए हैं, जहां उज्जैन का नाम राजनंदिनी सक्सेना ने रोशन किया है। राजनंदिनी सक्सेना का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। राजनंदिनी को 300 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं। तो वहीं उज्जैन के नागदा के एक बालक ने भी टॉप लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। इस दौरान राजनंदिनी के माता पिता ने बताया कि राजनंदिनी सेल्फ स्टडी कर यह मुकाम हासिल किया है। इसके पीछे उनके जो प्रिंसिपल है और जो शिक्षक है उन्होंने भी काफ़ी उन्हें सपोर्ट किया है। राजनंदिनी म्यूजिक का भी बहुत शौक है, वह पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक में भी अपना समय देते बैठे थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 10वीं की परीक्षा का आज परिणाम घोषित किया, दोपहर 12 बजे घोषित हुए। परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जिले में 19,287 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 19,260 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। 13,706 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो वहीं 3,364 विद्यार्थी फेल, जबकि 2,190 विद्यार्थियों को पूरा का ही है। इस प्रकार जिले का परीक्षा परिणाम 71.16% रहा। यह पूर्व की तरह इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारी है। जी, मेरा नाम राजनंदिनी सक्सेना है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मैं द कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। इस साल मध्य प्रदेश की 10वीं बोर्ड में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए सब लोग, मेरे स्कूल, मेरे फैमिली, सब लोग, मामा, ताऊ जी, मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। कितने मार्क्स आपको आए हैं? मुझे 300 out of 300 मार्क्स आए हैं, जो बेस्ट 3 हैं उसमें 300 out of 300 मार्क्स आए। आम बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को किस तरह का कहना चाहेंगे आप, किस तरह से पढ़ाई करें, स्टेज ले या नहीं ले? जो सिंपल पढ़ाई भी, अगर मतलब पढ़ाई तो सिंपल ही है, अब जो भी पढ़ें उसे बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। आपको मज़ा आना चाहिए आप जो पढ़ रहे हैं। जो भी आपको डाउट है वो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से या किसी भी फैमिली वाले से भी आप पूछ सकते हैं। स्ट्रेस तो आप बिल्कुल मत लो, क्योंकि आप सिर्फ मेहनत करोगे, रिजल्ट तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो। तो पूरी मेहनत करो, और अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हो या कुछ आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो उसे एक साथ पूरा मत करो, उसे चंक्स में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनको अकम्प्लिश करो। तो उसके बाद आपको जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी उसको वो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप आगे उसे और ज़्यादा अकम्प्लिश करो। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरी पूरी फैमिली, मेरे स्कूल को, द कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें सारी टीचर्स को, स्पेशली प्रिंसिपल मैम और मेरी सारी टीचर्स को, फैमिली में मेरे सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। मेरे ताऊ जी, ताई जी और मेरे मामा लोग भी मुझे अगर कोई डाउट होता था तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। भैया दीदी ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी दोनों छोटी बहन, ये लोग अगर स्ट्रेस होता था तो खेलने आ जाएंगे मुझे, मतलब डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं होने दिया, और उनके कारण ही आज जो हुआ है सब उन्हीं के कारण। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? एक फिक्स्ड टाइम में पढ़ाई नहीं करती थी, मेरी जब इच्छा होती थी या जब मुझे लगता था कि अभी मैं पढ़ूंगी तो मेरा अच्छा आउटकम मिल सकेगा तब मैं पढ़ती थी। थक जाती थी तो एक ब्रेक लेती थी, फिर उसके बाद फिर रिफ्रेश होके आती थी। तो यही सबको भी करना चाहिए, लगातार पढ़ने से आपका ब्रेन थक जाता है, और उसको आप अगर थोड़ा रिफ्रेशमेंट दो, थोड़ा ब्रेक दो, तो वो ज़्यादा बेटर काम कर सकता है। मैंने सोचा है कि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूंगी और इस रिसर्च फील्ड को एक्सप्लोर करके अपने देश को ऊंचाइयों के मुकाम पर पहुंचाऊंगी। लॉकडाउन के पहले 13 फरवरी 2020 को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने आए पोलैंड के श्रद्धालुओं से 3 युवकों ने ठगी की थी। ठगों में हिमांशु जोशी व उसके 2 अन्य साथी शामिल थे। दरअसल इन आरोपियों ने विदेशी सैलानियों से महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पर महाकाल का पूजन अभिषेक करने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठ लिए थे, पूजन अभिषेक भी नहीं कराया। मामले में थाना महाकाल पुलिस ने हिमांशु और उसके 2 साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी हिमांशु तभी से फरार चल रहा है, जिसे महाकाल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी हिमांशु को पुलिस ने रामघाट से गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दर्शन के नाम पर पैसे ऐंठने के मामले में आरोपी के साथ कई नेता भी शामिल है। ये नेता अब आरोपी को छुड़वाने के लिए फोन लगा रहे हैं। यदि पुलिस आरोपी से बगैर दबाव में सख्त पूछताछ करेगी तो कई नेताओं के नामों का भी खुलासा हो सकता है। मामला ये था कि 13 फरवरी को एक हॉलैंड निवासी महिला है, उन्होंने कंप्लेन करवाई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और उसमें 3 आरोपी थे, हिमांशु व्यास, मनोज जोशी और एक सुमित।
तो तीन लोग थे उनके साथ धोखाधड़ी की गई। उन्होंने बताया था कि भस्मारती के नाम पर उनसे पैसे लिए गए। तो इसके बाद मंदिर प्रशासन ने उसकी जाँच की। प्रशासन के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना महाकाल द्वारा FIR की गई थी। जो दो आरोपी हैं उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, सुमित और मनोज को, और जो तीसरे आरोपी हैं हिमांशु व्यास, तो कल उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर शनिवार को दोपहर में एक हाई लेवल की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सोमवार को शुरू होने वाले बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर की गई। बैठक संभाग आयुक्त आनंद शर्मा, ID राकेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह की मौजूदगी में हुई। बैठक में सवारी आरम्भ होने से लेकर रामघाट पूजन व पूर्ण महाकाल मंदिर में पहुँचने तक के समय व लौटने की व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे सावन भर में मंदिर में दर्शन मोबाइल ऐप से प्राप्त अनुमति के आधार पर भी किए जाएंगे। दरअसल उज्जैन में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल रूम में आ चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और अधिक सतर्क हो चुका है, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में जुट गया है। यह IG व संभायुक्त ने लोगों से निवेदन किया है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए घर से ही सवारी का सीधा प्रसारण देखे। महाकाल मंदिर सवारी मार्ग को लेकर हुए बदलाव के मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। नेताओं व आमजन के अलावा विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने भी आज कोठी पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा व झांझ मजीरे बजाकर अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि सवारी का मार्ग परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, सदियों से चली आ रही परंपरा के साथ ही खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में महासंघ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए खबर उज्जैन के साथ।